शुरुआत सोनीपत से करेंगे, जहां आयोजित विकसित संकल्प यात्रा में पहुंचे हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल उनका कहना है कि बीजेपी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर कमल खिलेगा। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर मामले में कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि कांग्रेस को भारत के संस्कारों में विश्वास नहीं है। इंडिया गठबंधन पर भी उन्होंने चुटकी ली। रिपोर्ट देखिए। सोनीपत के चार ब्लॉक में विकसित संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। यहां गांव नांगल खुर्द में हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव पहुंचे, जहां उन्होंने लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। वहीं इस दौरान अधिकारियों के यात्रा में नहीं शामिल होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी भी जताई और यात्रा में मौजूद सांसद रमेश कौशिक और विधायक मोहनलाल से अधिकारियों के नहीं आने का कारण पूछा। साथ ही लोकसभा चुनाव के बारे में बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बीजेपी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सभी सीट पर कमल खिलेगा। ये 10 के 10 लोकसभा सीट भाजपा के कमल निशान में लड़ा जाएगा और 10 के 10 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी की ही सांसद जीते हुए है, इसलिए आपको कोई दिधा नहीं रहना चाहिए, 10 के 10 कमल ही जाएगा मोदी के पास। उन्होंने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कांग्रेस के नेताओं के नहीं जाने पर कहा कि कांग्रेस को भारत की संस्कृति और संस्कारों में विश्वास नहीं। वहीं इंडिया गठबंधन पर भी उन्होंने चुटकी ली, कहा कि ये लोग जंगल में रहते हैं या खेत में नहीं मालूम। इस बारे में कुछ कह नहीं सकता कि इन लोगों को भारत के संस्कार और संस्कृति में विश्वास नहीं है, इसलिए समय समय पर ऐसा बयान आते हैं। ये नए कोई बात नहीं है, इनको भारत के संस्कृति और व्यवस्था में विश्वास नहीं है इसलिए बोलता है, और भारत की जनता जानता है उसका जवाब उनको 2024 में लोकसभा सीट को शेयरिंग को लेकर। मैं उस पार्टी का नेता नहीं हूँ, ना उस पार्टी में हूँ, ना उस संगठन में हूँ, मैं इनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा इकट्ठा हुआ है, ये कहाँ रहता है, जंगल में रहता है ना, ना खेती में रहता है, मुझे मालूम नहीं है, आप लोगों को मालूम चले मुझे बता देना। लोकसभा चुनाव पर हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने भविष्यवाणी की, लेकिन हरियाणा में गठबंधन पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं इस पर जवाब स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि जनता बीजेपी की नीतियों से खुश है और बीजेपी 2024 के चुनावी रण को जरूर जीतेगी। बहरहाल देखना ये होगा कि 2024 में बीजेपी की नीतियां कितनी नैया पार लगा पाएंगी। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।